हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइटन कंपनी के बारे में। देखिए, आज बहुत ही बुरा दिन है टाइटन कंपनी के लिए, क्योंकि उसका जो शेयर है ये 10% तक टूट चुका है, 127 रुपए डाउन है ये शेयर। तो इसकी वजह क्या है और टारगेट्स अभी भी इसके हाई बताए जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइटन कंपनी 1150 रुपए के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में इसमें 12% की गिरावट है, 1330 रुपए से गिरकर ये शेयर नीचे आया हुआ है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में आप देखिए 7.5% तक की गिरावट आ चुकी है इसमें, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1375 रुपए से गिरकर नीचे ये शेयर आया है अब तक। पिछले एक साल में 36% का ग्रोथ है। इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिली है। 1375 रुपए तक का हाई है और 850 रुपए तक का लो भी है। पिछले 3 साल में टाइटन कंपनी में हालांकि 213% का ग्रोथ है, 303 रुपए तक का लो था और आप देख सकते हैं कि 1375 रुपए तक का हाई है। देखिए, बढ़िया रैली आई और ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं आई इसमें, जरूर गिरावट आई थी, लेकिन बाद में इन्होंने वापस से शेयर जो प्राइस है वापस से वो तेजी इसमें दे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, जो गिरावट आई है उसका मेन रीजन ये है कि नतीजे जो है वो उतने अच्छे नहीं आए हैं कंपनी के, तो उसके बारे में भी हम बात करें। उससे पहले आप देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है ये, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। एनएससी में देखने की कोशिश करेंगे तो 2 करोड़ के आसपास का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर हम नजर करें इनके नतीजे के ऊपर तो देखिए, सितंबर 2019 के जो नतीजे हैं उसमें 16% की गिरावट देखने को मिल रही है, 302 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट से, जबकि पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे। इवन पिछले साल भी 305 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स थे। हालांकि देखिए, गिरावट जो है वो नेट सेल्स में गिरावट है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट मार्जिन तो इनका उतना ही है, इवन थोड़ा बहुत इंक्रीज भी है, प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज्यादा फर्क नहीं है। जो फर्क पड़ा है वो इनके नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट में पड़ा है। नेट सेल्स में भी 9.5% की भयंकर गिरावट है। आप देख सकते हैं कि 5,150 करोड़ का नेट सेल हुआ करता था पिछले क्वार्टर्स में, जून क्वार्टर्स में, जो अब घट करके 4,660 करोड़ के आसपास का रह चुका है। तो नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बुरे इनके नतीजे हैं, क्योंकि क्योंकि कंपनी जिस तरीके की प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, लग्जूरियस प्रोडक्ट बनाती है, और जो मंदी चल रही थी उसको लेकर थोड़ी बहुत गिरावट की उम्मीद की जा रही थी। देखिए, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये टाइटन की वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइटन की वेबसाइट्स में ज्वेलरी से जुड़ी हुई इनकी वो भी देखने को मिल रही है। जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है इनका वो ज्वेलरी से भी आ रहा है। ब्रांड्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो तनिष्क के एक सबसे बड़ा टाइटन के लिए एक जहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकल कर आता है, तनिष्क हो गया, फास्ट्रैक हो गया, सोनाटा हो गया, मिया हो गया। तो देखिए, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको सबसे पहले तनिष्क के ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायमंड और काफी सारी रेंज के प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो इयररिंग्स हो, पेंडल्स हो, फिंगर रिंग्स हो या बैंगल्स हो। और देखिए, जो गिरावट चल रही थी, मंदी चल रही थी, तो उम्मीद तो थी कि एटलीस्ट इनके ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और ये पड़ा भी है यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनके फास्ट ट्रैक की बात करें तो देखिए, घड़ियों का बिजनेस है और घड़िया से लेकर वॉचेस से लेकर सनग्लास से लेकर बैग से लेकर वॉलेट से लेकर बेल्ट से लेकर सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है, सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है और वो आप देख सकते हैं। और काफी सारी प्रोडक्ट्स बनाती है, सिर्फ एक दो प्रोडक्ट से नहीं, काफी सारी प्रोडक्ट्स ये लोग रे इनके पास वैरायटीज इतनी ज्यादा है, वैरायटीज बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी टाइटन्स में। और तो और आप देखिए, स्किन होम्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी बड़ी वैरायटीज हमें देखने को मिल जाएगी। और तो और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और इतनी सारी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कि काफी सारी प्रोडक्ट डिओड्रेंट से लेकर शैम्पू, आप सॉरी, आप परफ्यूम से लेकर सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी टाइटन्स की।
तो काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और आने वाले दिनों में जरूर मुझे जो लग रहा है कि ये जो गिरावट आई है वो शॉर्ट टर्म की गिरावट है, जरूर हमें एक बढ़िया रैली थोड़े वक्त में इसमें देखने को जरूर मिल सकती है। 500% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर यहाँ पर आपको 5 रुपए मिल रहे हैं। टाइटन कंपनी के बारे में अगर बात करूँ तो देखिए जो पी है इनका वो 73.54 के करीब है, जबकि इंडस्ट्री पी है 68.69, बुक वैल्यू 69 के करीब है, प्राइस टू बुक वैल्यू 16.60 के करीब है, देखिए ज्यादा है यहाँ पर। ईपीएस 15 के करीब का इसका ईपीएस है, 500% का डिविडेंड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 66% बाइंग रेटिंग है, 32% सेलिंग रेटिंग है, 2% होल्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला की टाइटन कंपनी में बहुत बड़ी होल्डिंग है, इवन राकेश झुनझुनवाला और उनकी फैमिली की जो टाइटन कंपनी में बहुत बड़ी होल्डिंग उनके पास देखने को मिल रही है। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो गिरावट भले आई है लेकिन उसके बाद भी जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने इनके जो टारगेट्स है वो 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में रखे हुए हैं, तो उतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है अभी, क्योंकि देखिए बड़ी कंपनी है, एक बुरे नतीजे से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। देखिए हाँ, लेकिन खरीदारी के मौके आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, अगर गिरावट आई है तो आपके लिए अच्छा है, खरीदारी के बढ़िया मौके हैं आपके पास। देखिए इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद कर्जा आप देखेंगे तो 2230 सॉरी 2290 करोड़ के आसपास का ही कर्जा है इनके ऊपर, तो उतना ज्यादा बड़ा कर्जा इसको मैं नहीं मानूंगा। हम यहाँ पर बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 52.91% की होल्डिंग है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, एफआईएल की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 18.77% की ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़िया होल्डिंग बढ़ाई है, देखिए 1.6 हुआ करती थी अब वो 3.14 हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, 5.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। तो देखिए ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर गिरावट आती है टाइटन कंपनी में तो खरीदारी का एक बढ़िया मौका है आपके पास, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा, ट्राई करिएगा कि शेयर आप कम से कम प्राइस में खरीदने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप लॉन्ग और जिन्होंने खरीदा हुआ है और बेच नहीं पाए हैं और लॉस में हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इसमें निवेशित है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हर बार उसने आपका पैसा कमा कर दिया ही है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही बढ़िया है, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही बढ़िया है, और हर कोई इस्तेमाल कर सके ऐसी प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते भी है, ठीक है। अगर ज्वेलरी से इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो ज्वेलरी से आता है, ठीक है, सबसे बड़ी इनकम जो है वो ज्वेलरी से आती है, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें भी थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल टाइटन कंपनी में अगर खरीदारी की है और बड़े नुकसान में हो, अगर जैसे कि आज अगर आप बेच नहीं पाए, हालांकि आज आपको बेच के निकल जाना चाहिए था, जैसा ही नतीजे इसके अच्छे नहीं आए थे तो आपको बेच के निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपने बेचा नहीं और भारी नुकसान में है तो मैं ये कहूंगा कि पैनिक होने होकर लॉसेस में निकलने की जरूरत नहीं है, बेटर करे बेटर यही होगा कि वेट करें एंड वॉच करें, जरूर इसको वक्त लगेगा थोड़ा बहुत ऊपर उठने में, लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर ये बहुत जल्दी उठ जाएगा, और इसका लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो मेरे हिसाब से 1500 रुपए के आसपास हो सकता है। लेकिन जिन्होंने खरीदारी नहीं की है, ठीक है, जिन्होंने अभी भी टाइटन कंपनी का शेयर नहीं खरीदा है उनको मैं ये कहूंगा कि जल्दबाजी भी ना करें, ठीक है, जल्दबाजी भी ना करें, जरूर ये शेयर आपको आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है और जरूर ये आपको रिटर्न देगा भी, लेकिन जल्दबाजी ना करें इसमें पोजीशन बनाने की, वेट करें, ठीक है। और अगर आपको आपको पोजीशन बनानी भी है तो एसआईपी मोड में खरीदारी करें, क्योंकि देखिए इसके आने वाले कुछ दिनों में ये जो कंपनी का शेयर है ये अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, ठीक है, तो आप पोजीशन अगर आप बना भी रहे हो तो एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें, क्योंकि आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें एवरेजिंग करने की आपको जरूरत पड़ेगी ताकि अगर शेयर में थोड़ी और फर्दर गिरावट आए तो आप थोड़ा और शेयर्स भी यहां पर खरीद सकते हैं। तो यही कहूंगा कि जल्दबाजी ना करें और ट्राई करें कि ये शेयर आपको 1100 रुपए से 1000 से 1100 रुपए के बीच में मिल जाए तो आपके लिए एक बढ़िया बाई ये हो सकती है।
तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए। और टाइटन कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।